Hi guys, good evening everyone. Welcome to all of you. Today we will be talking about RBI assistant. So RBI assistant ka examination finally is out and the notification will also be there on the website very very soon. Therefore it's very important for us to understand and start with our preparations immediately if you've not already done it. So hamara objective hai ki hum agle 30 se 35 din mein 30 to 35 days we should be able to cover the entire syllabus, right? Before starting with your prep strategy, it's very important to understand ki syllabus kya hai, pattern kya hai, because if we don't have a clear idea about it, we will be affected in our prep. And I'll be giving you a perfect, beautiful strategy so that you can easily prepare for the examination and crack it, you know, in the first attempt itself. Sabse pehle, vacancies jo hoti hain RBI assistant ki, wo state-wise aati hain. Isliye, last लेवल होता है आपका एग्जामिनेशन का, उसमें एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT. तो अगर आप महाराष्ट्र नहीं हैं, लेट्स से यू आर अ डेलियाइट और फ्रॉम यूपी एंड यू वांट टू वर्क इन महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र में सीट ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज फिर आपको मराठी में LPT लिखना पड़ेगा. इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट मराठी, आपको मराठी आती है, देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. क्योंकि कोई भी आपको मराठी तो नहीं सिखा सकता एक महीने में, उसकी कोचिंग नहीं हो सकती, उसका इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो उसमें फेक करने की कोशिश ना करें, यू माइट एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ. ट्राई कि जो एरिया के आप हो या फिर जिस एरिया में हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई लैंग्वेज है रीजनल, तो आप उसमें अप्लाई कर दो. नोटिफिकेशन में ऑल द लैंग्वेजेस आर गिवन स्टेट वाइज. ओके, सेकेंड पे आते हैं. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड बेटर आइडेंटिफाई कि भाई हमें तैयारी करनी कैसी है. ठीक है ना, तो पैटर्न समझ लेते हैं एक बार कि भाई पैटर्न है क्या एग्जामिनेशन का. प्रिलिमिनरी मेंस दो लेवल में एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. प्रिलिम्स और मेंस का मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ. प्रिलिम्स में देर इज़ नो जनरल अवेयरनेस, तो वॉट यू अंडरस्टूड इज दैट वी कैन इग्नोर जनरल अवेयरनेस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिलिमिनरी क्लियर करना. एंड मेंस और प्रिलिम्स के बीच में 30-35 दिन 40 दिन का गैप होगा, इसलिए उस टाइम में आप इजीली जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस कर सकते हो जो कि एडिशनल सब्जेक्ट हैं. तो कोई सेंस नहीं बनता अभी से जनरल अवेयरनेस उठाने का, क्योंकि वो 30 दिन काफ़ी हैं जनरल अवेयरनेस मल्टीपल टाइम्स करने के. ओके, तो इसलिए प्रिलिमिनरी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, दीज आर दी ओनली 3 सब्जेक्ट्स, तो आप इन तीनों पर ही फोकस करोगे तो बेटर है. You are going to get 20 minutes each, या मैं minutes लिख रहा हूँ. ओके, 20 minutes each मिलेंगे, टोटल 60 minutes का पेपर होगा, 100 questions, 35-35-30, इंग्लिश में 30, मैथ्स रीजनिंग में 35-35, ये आपको ध्यान रखना है. तो एक सेक्शनल टाइमिंग की तरह बन गया है एग्जामिनेशन में 20 minutes each. आप ऐसा नहीं है कि जंप करके मैथ्स से रीजनिंग पे आ गए फिर वापस मैथ्स में चले गए, 20 minutes each आपको दिया हुआ है. मेन्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मेन्स, then these are the number of questions and this is the time period. Maths 40, reasoning 40, English 40, general awareness 40, computer awareness 40, सब में 40-40 हैं. टाइम में थोड़ा फ़र्क है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 30 मिनट्स ईच, जनरल अवेयरनेस 25 मिनट्स, विच इज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम, और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 मिनट्स, विच इज़ अ डिसेंट टाइम. अब सबसे पहले बिफोर कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, लेट्स ट्राई एंड टॉक अबाउट और अंडरस्टैंड कि भाई क्या RBI असिस्टेंट एक्चुअल में उतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है जितना कि लोग बोल रहे हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर डिफ़िकल्ट है तो क्यों है. ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है. वन सेकेंड, ठीक है, अभी मैंने बॉक्स बना दिया. सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें, लास्ट ईयर की 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले, इससे पहले उसमें प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 90+, एवरेज था 90+ आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 90+. दैट मींस इधर द स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट और द एग्जामिनेशन इज़ टू ईजी. दो ही चीज़ें हो सकती हैं, उससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता. या तो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन दैट केस अगर आप एवरेज हो तो भूल जाओ. सेकेंड सिचुएशन इज़ द एग्जामिनेशन इज़ टू ईजी. इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या,
मेंस पे आते हैं. मेंस में व्हाट वाज द कट ऑफ, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस थे. द एवरेज कट ऑफ वाज 120 प्लस, 110 टू 120 के बीच में एवरेज कट ऑफ थी. यहाँ पर देखिए कट ऑफ एकदम से 60% ड्रॉप हो गई. यहाँ पे 90% कट ऑफ थी, 90% 95-96 भी थी दिल्ली में. तो रीज़न क्या है, मतलब स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, ये मेरे हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर, क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते या बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होते, आपका कोई कॉम्पिटिशन का लेवल नहीं होता, चांस नहीं होता, तो ये 60% नहीं होती, ये 80-90 के बीच में ही होवर करती. दैट मीन्स इन प्रिलिम्स द एग्जामिनेशन वॉज टू ईजी, दिस वन होल्ड्स. और मेन्स में जैसे ही उन्होंने एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट किया थोड़ा सा, तो कट ऑफ नीचे आ गए. अब देखिए इंक्लूडिंग जर्नल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस विच आर वेरी स्कोरिंग, तब भी कट ऑफ 60% थी. दैट मीन्स, दैट क्लियरली मीन्स कि भाई स्टूडेंट्स का लेवल बहुत हाई नहीं था. जैसे ही मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, कट ऑफ नीचे आ गई ऑटोमेटिकली. ठीक है ना, इसमें स्कोर लोगों का बहुत कम हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर लोग खींच लेते हैं काफ़ी. तो दिस इज बिकम्स वेरी क्लियर. यूट्यूब पे आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, पीपल सेइंग वेरी, यू नो आई डोंट नो व्हाई दे सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि भाई आप अगर एवरेज हो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में तो छोड़ दो, तैयारी मत करो. इट डजंट होल्ड, बिकॉज ये वाला होल्ड ही नहीं करता है. द पेपर वॉज टू ईजी. द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस एंड मास्टर इज हाउ टू स्कोर वेल विद एन ईजी पेपर. अगर बहुत आसान पेपर आता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करोगे रियल टाइम में, जिससे कि आप 100 में से 90 अटैम्प्ट कर सको, 100 में से 95 अटैम्प्ट कर सको. बिकॉज वॉट हैपन्स इज यू यूज योर ब्रेन गेट्स यूज टू अटैम्प्टिंग ओनली 70, 65, 80, बिकॉज यू फील दैट इज वॉट a good accuracy level, a good attempt level is. But if the examination is too easy, 100 on 100 should not be a problem. Attempting all the 100 should not be a problem. So aapko, you have to just rewire your brain, make it understand that because the examination is too easy in preliminary stage, I have to attempt all 100 questions. 60 minutes mein mujhe 100 questions attempt karne hi karne hai. Ye aapko dhyan rakhna hai. The moment you make this change in your strategy, you make this change in how your brain understands number of attempts, good number of attempts or bad number of attempts, so aap practice karke actually you can master that, you can be there, aap wahan par aa sakte. I hope this is clear. Ye cheez sabse important thi samajhni, jo ki maine aapko yahan par samjha di hai. I hope now you don't have any panic inside you and you are not doubtful. Agar aapko taiyari karni hai to karo, nahi karni hai to mat karo, but don't go by this idea कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं और एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर कट ऑफ बहुत हाई है तो मेरा तो कोई चांस नहीं. ऐसा कुछ नहीं. कट ऑफ जो हाई जा रही है वो इसलिए जा रही है बिकॉज द पेपर इन प्रिलिमिनरी लेवल इज़ टू ईजी, नॉट बिकॉज द स्टूडेंट्स हुआ टेकिंग इट आर टू स्मार्ट एंड मे बी आउट ऑफ योर लीग. दैट इज़ नॉट द रीज़न. ओके, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर. द नेगेटिव मार्किंग इन बोथ प्रिलिम्स एंड मेन्स इज 1/4, दैट इज 0.25. So you have to focus on accuracy simultaneously along with your attempts as well. Okay. How to prepare? Very easy. I'm not going to complicate it. You might find some things very complicated on other channels. I don't know. But this is going to be super, super easy. How do you prepare in the next 30 days for phase one, for preliminary level of your RBI assistant examining? कैसे आपको अगले 30 दिन में तैयारी करनी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी. आई हैव डिवाइडेड इट इनटू वीक्स एंड देन डेज. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपको करना है. लेट्स अज्यूम दैट वी हैव 30 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास 30 दिन है एग्जामिनेशन से पहले. लेकिन हमारे पास 30 दिन है एग्जामिनेशन से पहले, फेज वन या फिर प्रिलिमिनरी से पहले. नाउ व्हाट डू वी डू? Before starting with your mocks, it's very, very relevant and it's very logical also कि आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का एक रिविजन छोटा सा आपके पास हो. इफ़ यू ऑलरेडी रिवाइज, इफ़ यू बिन राइटिंग दीज एग्जाम्स, देन यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस पार्ट. इफ़ यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सम टाइम, देन यू कैन गेट बैक टू दिस पार्ट एंड ट्राई एंड रिवाइज ऑल थ्री सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट 7 डेज. साउंड्स अ लिटिल डिफिकल्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग इन 7 डेज, बट यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग. ओके, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% कवर करके तभी मॉक्स लिखने हैं. इवन इफ यू डन विद 50-60% ऑफ योर रिविजन, यू कैन स्टार्ट विद योर मॉक्स. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज,
In the first 7 days, 1 to 7 days, you try and cover as much as possible, try to revise as much as possible of maths, English and reasoning, all three together. From day 8, you move on an alternate day basis. Alternate day cycle up start karenge from day 8. How does it work? On 8th day, you take one mock test, the first mock test, okay? Let's say this is done in the first half. First half mein aapka first mock test ho gaya. Plus reasoning in the second half. You're covering reasoning in the second half. This is going to be done for the next 21 alternate days. Humne assume kiya 30 ya phir 28 days hai hamare paas. To 7 din nikal gaye, 21 bache ya 23 bache. For 21 alternate days, this is the cycle that you're going to create for yourself. Every alternate day, matlab day 8th, uske baad day 10, uske baad day 12, then day 14, then day 16. Every alternate day, you will be writing a mock test followed by reasoning, revision and coverage of reasoning section in the afternoon. Ye aapko karna hai. What about the next alternate day? Matlab day 9, day 11, day 13, day 15. Isme kya karoge aap? Maths plus English. Isse aapka tino cover ho jayega. Maths morning mein, English afternoon mein. Okay, the next day, aapne ek mock test liya, uska analysis kiya, uspe 2-3 ghante lagaye, phir lunch karke thodi der rest kiya, uske baad reasoning utha liya, and then you cover entire whatever reasoning you're left with, jo bhi aapka weak points hai, jo ki mock test se aapko analysis milta rahega. Okay, this area looks weak, let's try and cover it. This area looks easy and I'm finding it very confident. Isko abhi chhod dete hain, side mein rakhte hain, next mock test mein dekhte hain, whether I'm consistent with this area or not. ये आपको ध्यान में रखना है. This is the strategy that you have to forget about current affairs, forget about computer awareness for the time being. As soon as you're done with phase 1, as soon as you're done with preliminary examination, then you shift gears and start covering current affairs as well as computer awareness. उससे पहले आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं. Okay, Chetan sir will be starting with a shortcut series for quant and reasoning, and Romila ma'am will be starting with a series for English. Jisse ki aap maths, reasoning, English tino aram se cover kar sako in the next 30 days. But you have to follow this strategy, you have to follow this timetable. Ye timetable jo maine aapko diya hai, aap isko ignore nahi kar sakte. Aur isse better aapko timetable khud create bhi nahi kar paoge, because humne yahan pe sari cheeze cover kar li hain is timetable ke through. Humne yahan pe mock test bhi alternate days le liye. हमने यहाँ पर quant reasoning को भी हम regularly cover कर रहे हैं और English को भी हम regularly. I hope this makes it clear. So this was the strategy for your upcoming RBA assistant examination. I hope this makes it clear. I hope with this you will be able to track your examination in your first attempt itself. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below, or you can just call my team. The number is here. You can visit my website. You can write an email, shoot an email to me. And I'll be very happy to solve your doubts as well. Okay? With this, let's end this session. All the best, guys. Take care. Bye-bye. Jai Hind.